अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो है हेडफोन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, और ये वीडियो जो है हमने बनानी है काइन मास्टर के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जो है काइन मास्टर को कर लेना है ओपन। जब आप काइन मास्टर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद ये प्लस वाला आइकन है, आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ से जो है ना आपने रेशो यानी कि प्रोजेक्ट अपनी स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। तो दरमियान वाली जो स्क्रीन है 9:16 इसे आप कर लेंगे सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऑप्शन में आना है। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उतना हम इसको ले जाएंगे जितना हम अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त हम 15 सेकेंड के करीब करीब ले लेते हैं। उसके बाद इसके स्टार्ट में आके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आएंगे। मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और फिर जो है हम अपनी पिक ले आएंगे। तो ये पिक जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हम ये वाली पिक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना इसका लेयर भी हम वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे, और फिर इसे फिंगर के साथ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे बड़ा करके। तो इसे आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ना इसे आपने कर देना है ओके। तो हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब ये लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आएंगे। मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और यहाँ पे हमने एक और PNG क्रिएट कर दिया है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपने इसका लेयर भी वीडियो के लास्ट तक ले आना है, और यहाँ से जो है ना इसे संभाल करके ऊपर कर लेना है एडजस्ट। तो इसे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब ये लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आना है। उसके बाद ये टी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आना है। और यहाँ पे जो आप अपना नेम भी राइट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है इस वक्त ये चले आना लिखा हुआ है, इसे लिख राइट कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं ओके। ओके करने के बाद जो है ना आप इसका लेयर भी आप इस तरीके से वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे। उसके बाद आपने ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये डबल ए का ऑप्शन है, डबल ए के ऑप्शन में आना है। और यहाँ से ये लातिन है, लातिन में आना है। और यहाँ से ये जो है ग्रेट वाइब्स है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करके ऊपर ले आएंगे। अब जो है ना आप इन ऑप्शन में आ जाएंगे नीचे। नीचे जो है ना आपको ये आउटलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आउटलाइन के ऑप्शन में आना है, और इसका आउटलाइन कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद देखें इसका जो है ये आउटलाइन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसे आप बैक करके 4 नंबर पे रख लेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट पे रखने के बाद इसे हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अब नीचे जो है ना आपको ग्लो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने ग्लो के ऑप्शन में आना है। ग्लो को ऑन करके इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद ये येलो कलर है, येलो कलर को ख़त्म करके आप वाइट कर देंगे। उसके बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब जो है आपने इसे इस तरीके से बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये जो है आप 30 के लगभग रख लेंगे। उसके बाद इसे कर देंगे बैक, और बैक करने के बाद यहाँ पर जो है आपने इसे कर लेना है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर लेयर के ऑप्शन में आएंगे, फिर यही टी टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे जो है हमने कुछ इमोजीज लगा लेने हैं, तो आपने यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी इमोजीज आपको अच्छे लगते हैं वो आपने कर लेने हैं सिलेक्ट। तो हम जो है यहाँ से कोई भी इमोजी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसका लेयर भी हम वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे। उसके बाद इसे हम इस तरीके से बड़ा करके इसे भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम जो है इसे सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करके हम अपनी पिक को बड़ा कर लेते हैं वीडियो को, और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो है ना हम इसे भी कर देंगे ओके। ओके करने के बाद फिर ये लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आएंगे। मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। अब ये वीडियो आ चुके हैं, इन ऑप्शन में हम आ जाएंगे नीचे। नीचे आपको क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने क्रोमा की का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद जो है ना नीचे ये देखें की कलर ग्रीन है, तो आपने अगर यहाँ पर आपके पास ग्रीन ना आए तो आपने यहाँ से जो है ओपन करके ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करना है ओके। ओके करने के बाद देखें यहाँ पे जो है ना ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ पे एडजस्ट है, हम इसे जो है इधर उधर नहीं करते हैं, एडजस्ट है। उसके बाद कर देंगे ओके। ओके करने के बाद फिर लेयर के ऑप्शन में आएंगे, फिर मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक और ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो हम वो वीडियो ले आते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इन ऑप्शंस में नीचे आएंगे और क्रोमा की के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे,
और इसे भी कर देंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाएगा। अगर ग्रीन कलर ख़त्म ना हो तो ये जो 28 है इसे आप इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक आके इसे जो है इस तरीके से यहाँ पे नीचे कर लेंगे एडजस्ट। तो इसके एडजस्टमेंट आपने खुद कर लेने हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे, उसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद फिर लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आएंगे, मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने एक ब्लैक स्क्रीन में जो है ना ये क्रिएट कर दिया है, बॉर्डर है। अगर आप ये बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। उसके बाद इसका लेयर भी आप वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे और यहाँ पे सीजर के सेट वाले ऑप्शन में आके इसे भी कर देंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारा जो है ये तकरीबन स्टेटस क्रिएट हो चुका है, सिर्फ इसमें लगानी है म्यूज़िक। अगर आपके पास ऑडियो हो तो यहाँ ऑडियो के ऑप्शन में आके यहाँ से आप अपनी म्यूज़िक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑडियो नहीं है, वीडियो है, तो लेयर के ऑप्शन में आएंगे, मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। और यहाँ पे आके जहाँ पर भी वो आपके पास म्यूज़िक वाली वीडियो हो तो आप उस वीडियो को ले आएंगे। तो मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसे सिलेक्ट करके ले आता हूँ। अब देखें ये हमारी वीडियो आ चुकी है। तो अब इन ऑप्शंस में आप आ जाएंगे नीचे, नीचे जो है ना आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो यहाँ पे आप कर देंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करते ही आपके पास नीचे जो है ये म्यूज़िक निकल जाएगी और बाकी जो बचेगी वीडियो वो आपने यहाँ से कर देनी है डिलीट। अक्सर फ्रेंड्स के पास जो है पुराना काइन मास्टर है तो उनके पास जो है ना ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनके पास कहाँ होगा वो भी आपको बता देते हैं। तो आपने जो है ये सीजर का ऑप्शन है, सीजर का ऑप्शन को ऑन करना है और यहाँ पे नीचे नीचे जो है ना आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से जाके आप कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। उसके बाद वीडियो कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद अब जो है हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे करेंगे सेव। तो ये सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन में आएंगे। सेव के ऑप्शन में आने के बाद इसकी रेजोल्यूशन हम अपने मुताबिक रख लेंगे जो हमें अच्छी लगती है और कर लेना है एक्सपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।